हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे पास है विनोद ब्रांड के फ्राइंग पैन जो कि स्टेनलेस स्टील मटेरियल के बने हैं और ये थ्री प्लाई मटेरियल के बने हुए हैं जो कि SAS स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील मटेरियल के बने हैं। बहुत ही हेल्थी मटेरियल है, आप इसमें खाना कुकिंग वगैरह फ्राइंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो बेलकन वाला बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहले हम छोटा फ्राइंग पैन है हमारे पास जो कि 16 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्यूट एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट फ्राइंग पैन है एंड अंदर में पूरा मैट फिनिश स्टेनलेस स्टील है एंड आप नीचे की तरफ देख सकते हैं मैट फिनिश भी है एंड साइड में साइन फिनिश है। विनोद की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसका मॉडल प्लैटिनम थ्री फ्लाई स्टेनलेस स्टील है जो कि SAS मेटल के नाम से भी जाना जाता है एंड ये पूरा जो भी बेस है इंडक्शन फ्रेंडली मटेरियल है। एंड अब प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, तो जो ये हैंडल होता है बिल्कुल भी हीट नहीं होता है, ये हीट प्रूफ है, हैंडल स्टेनलेस स्टील का है लेकिन हीट प्रूफ है। एंड जो अंदर का मटेरियल है 304 ग्रेड का मटेरियल है एंड ये फूड ग्रेड मटेरियल है, हेल्थी कुकिंग आप कर सकते हैं। एंड जो इसके बाद सेंटर में आता है एल्युमिनियम लेयर, जो कि एल्युमिनियम लेयर वो होता है जो भी आप खाना पका रहे तो वो बर्न नहीं होता है, उसके लिए वो एल्युमिनियम लेयर दी हुई है ताकि खाना आपका जले ना एंड स्टिक ना हो मेन, जो कि क्योंकि बहुत सारे जो भी स्टेनलेस स्टील बर्तन होता है खासकर अंदर जल जाता है तो वो जलेगा भी नहीं। एंड सबसे नीचे जो लेयर दिया है 430 ग्रेड का जो कि MS स्टील का मटेरियल है जो कि आयरन का है, तो वो क्या करता है कि इंडक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, आप इसमें इलेक्ट्रिक में भी यूज़ कर सकते हैं, गैस में यूज़ कर सकते हैं, आप सेरामिक में यूज़ कर सकते हैं, हाइलोजन में यूज़ कर सकते हैं। एंड जो ये प्रोडक्ट होता है वो आपको डिशवाशर सेफ है, आप डिशवाशर में इसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, कॉम्पैक्ट साइज है एकदम, आप इसमें एग वगैरह भी बना सकते हैं, काफ़ी छोटा है, काफ़ी क्यूट है एंड इसमें अवेलेबल है 16, 18 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, उससे नेक्स्ट भी आता है 22, 24, लेकिन फ़िलहाल अभी तीनों के बारे में मैं बता रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है एंड अभी इस मॉडल की प्राइजिंग जान लेते हैं, जो कि 16 सेंटीमीटर की जो प्राइज है वो आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं इसकी MRP 1790 है जो कि आपको बेस्ट टू बेस्ट जो बाई लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड इन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको रखते हैं साइड में एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। पीसेस तो तीनों में सेम है, सेम क्वालिटी है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस साइज़ का फ़र्क है। तो ये है 18 सेंटीमीटर डायमीटर जो फीचर से सेम है एंड अंदर भी कुछ लिखा है, आप जैसे कि देख सकते हैं विनोद SAS मेटल स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम स्टेनलेस स्टील लेयर ऑफ एल्युमिनियम 18x8 स्टेनलेस स्टील इनसाइड इवन हीट डिस्ट्रीब्यूटन इंडक्शन फ्रेंडली वगैरह कुछ दिया हुआ है। तो इसका प्राइजिंग जान लेते हैं, तो इसका प्राइजिंग है 1990 जो कि 18 सेंटीमीटर का है, तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सबसे बड़ा वाला जो साइज है आप देख सकते हैं ये वाला, तो इसका साइज है 20 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हैं एंड इसका वेट भी काफ़ी भारी है, आप आसानी से उठा सकते हैं इसको लेकिन वेट है ताकि, और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी लाजवाब है। तो इसका प्राइजिंग हम बता देते हैं, इसका प्राइजिंग है 2320 है, 20 सेंटीमीटर का प्राइजिंग, जो भी आपको बेस्ट बाय लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो आपने देखा काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है एंड इसको क्योंकि जो किचन में रहते हैं आजकल नॉन स्टिक के जो प्रोडक्ट रहते हैं वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते और इसकी कोटिंग जल्द से जल्द निकल जाती है तो हेल्थ को बीमार बना देती है, तो इसके लिए
अभी खासकर सभी लोग स्टेनलेस स्टील के भी बर्तन परचेज कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत कॉस्टली है, इसमें आप नॉर्मल वाला भी स्टेनलेस स्टील ले सकते हैं, लेकिन आप ये एक बार ले लिया तो लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबल रहता है, आपको ख़राब होने की ये ख़राब नहीं होता है। एंड इसकी 5 ईयर्स की कंपनी की वारंटी है, जो कि अगर स्टिक हो गया, बर्न हो गया स्टील, तो रिप्लेसमेंट देता है कंपनी वाला, उसकी दावा है। और पहली बात तो ये कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत अच्छा मटेरियल। एंड आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर जो उसने दिया है, आप देख सकते हैं SS304 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम 430 ग्रेड स्टेनलेस स्टील। आप देख सकते हैं इस तरह का मटेरियल, जो कि एक पिक्चर के तौर पर दर्शाया है कि इस तरह का जो मटेरियल है इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। जो भी इसको AMC के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पहले AMC ब्रांड में आता था। तो ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं कहूँगा ये आप बाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये प्रोडक्ट काफ़ी कूल एंड काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट दिख रहा है, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया शानदार प्रोडक्ट है। तो दोस्तों अगर आपको बाई करना है तो मैं बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं क्या प्राइजिंग है, आपके बजट में बैठता है तो आप ले सकते हैं, कोई फोर्स वगैरह नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।